नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पहले वीडियो में मैंने बात किया था गोलमेज सम्मेलनों के बारे में, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कम्युनल अवार्ड के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे गांधी और मतलब पूना पैक की बात होगी, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो आइए देखते हैं पूना समझौता और सांप्रदायिक पंचायत के बारे में या कम्युनल अवार्ड के बारे में देखेंगे। दरअसल इससे पहले मैंने बताया कि जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान बात कही गई थी कि मतलब सांप्रदायिकता की बात हर जगह हो रही थी। कहा जा रहा था कि सांप्रदायिकता का हल भारतीय निकालें, लेकिन भारतीय सिर्फ सांप्रदायिकता का हल नहीं निकाल पाते हैं। तो ये ब्रिटिश पीएम के शब्दों के मैं बात कर रहा हूँ कि जब भारतीय सांप्रदायिकता का हल नहीं निकाल पाते हैं तो ब्रिटिश पीएम कहते हैं कि हम ही कुछ सांप्रदायिकता का हल निकालें, और एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं जिसको बोला गया कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत। इसकी डेट है 16 अगस्त 1932 को। इसमें क्या कहा गया था इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसमें सांप्रदायिकता की समस्या सुलझाने के लिए ब्रिटिश पीएम रेमजे मैकडोनाल्ड के घोषणा है, उसी को बोलते हैं सांप्रदायिक पंचायत। इसमें बातें क्या कही गई, इसमें पूरी तरीके से कह लीजिए कि भारत को बांटने की जो राष्ट्रीय एकता जो चेतना है उसको बांटने की बातें कही गई। क्या क्या बातें कही गई इसमें, बात की गई कि प्रांतीय व्यवस्थापिका में, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में मतलब जो लोकल स्तर पर विधानसभा नहीं होती उसमें, उसमें 71 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई। पहली बात तो ये, अल्पसंख्यकों के अंतर्गत मुस्लिम सिख दलित पिछड़ी जातियां भारतीय, इसमें देखिए मैंने लिख दिया है यहां पर भारतीय यूरोपियन, याद देखिए भारतीय यूरोपी, भारतीय यूरोपीय, भारतीय यूरोपीय और एंग्लो इंडियन, इतने लोग क्या होंगे, ये सब किसमें शामिल होंगे, अल्पसंख्यक के अंतर्गत आएंगे। मुस्लिम सिख दलित पिछड़ी जातियां भारतीय यूरोपीय, जो ऐसे यूरोपीय जो भारत में रहे हैं, एंग्लो इंडियन आदि, ये सब क्या होंगे, अल्पसंख्यकों के अंतर्गत आएंगे। इसमें देखिए पिछड़ी जातियां दलित वगैरह ये सब लोग आ गए इसमें। अब इसमें बात मुख्य रूप से जो यहां पे बात ये कही गई कि जो दलितों को हिंदू से अलग मान लिया गया, जो दलित वर्ग है उनको हिंदू से अलग माना गया, बस यहीं पर क्या होता है विवाद हो जाता है। और इस जो पूरा जो सांप्रदायिक पंचायत आया है इसके अंतर्गत जब हम देखेंगे तो हमें देखने को ये मिलता है जो सांप्रदायिकता का हल निकाल रहे थे वो बिल्कुल और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिया गया। दलितों को अब पहले हिंदू मुस्लिम किया जा रहा था, अब हिंदू में भी तोड़ने की बातें कही गई। सीटें जो आरक्षित की गई, कुछ सीटें जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षित की गई, जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे वहां पर उनको लिए आरक्षित की गई, लेकिन जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक के थे वहां पर उनके लिए वैसी व्यवस्था नहीं की गई। तो ये सब बातें कही, हिंदू चूंकि यहां पर भारत में जनता हिंदू बाहुल्य थी तो उनको तोड़ना जरूरी था, तो उनकी जातिगत राजनीति पर आ गए, मतलब धर्म की राजनीति के बाद में जातिगत राजनीति शुरू हुई, उसमें अब हिंदू को भी तोड़ करके दलित वर्ग को अलग करने की बात इसमें कही गई। तो इसमें कहते हैं कि सांप्रदायिकता प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। लेकिन जब गांधी जी को ये बातें जब पता चली, जब उनको लगा कि कम्युनल अवार्ड ये सब आया है, तो उन्होंने क्या किया, अब चूंकि जान रहे इसमें से देखिए जो ये वर्ग हैं ये तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं अपने आप में संतुष्ट रहे होंगे क्योंकि उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, उनके उनके फायदे की बातें इसमें कही जा रही हैं, जिसका दलित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे, ये सब लोग कर रहे थे। अब यहीं पर जब इनको पता चला तो गांधी जी ने क्या किया, यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू किया, कब शुरू किया, 20 सितंबर 1932 को। इस आमरण अनशन से प्रत्येक भारत के लोगों लोग स्तब्ध रह गए कि मतलब ये क्या हो गया, गांधी जी अनशन करें आगे पीछे कारण क्या है। तो उन सब बातें जब आई तो फिर उसका परिणाम भी मिला, फायदा भी देखने को मिलता है। जो आमरण अनशन होता है इसके बाद में 4 दिन बाद, क्योंकि सब गांधी जी कह सकते हैं सबसे बड़े राजनीतिज्ञ थे, सबसे बड़े राजनीतिक के साथ साथ कह सकते हैं भारत के सबसे बड़े राजनेता थे ही, और लोग उनको महत्ता को समझते भी थे, उनको सम्मान भी करते थे। उस दौर में देखेंगे तो लगा कि गांधी जी को कहीं कुछ हो ना जाए, इस वजह से आगे चल करके देखेंगे तो 20 सितंबर को आमरण अनशन, 24 सितंबर को पूना समझौता हो गया। अब इस पूना समझौता में क्या हुआ उसको हम आइए बताते हैं। पूना समझौता में क्या हुआ, जब पूना समझौता हुआ वो 24 सितंबर 1932 को हुआ। पूना समझौता, गांधी जी कहाँ हैं, यरवदा जेल में बंद हैं। अब वहीं पर क्या करें, आमरण अनशन उन्होंने शुरू कर दिया यरवदा जेल में ही। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें क्या गया, दलित वर्ग और हिंदू वर्ग को एक करने की बात कही गई। तो इसमें जो दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर और हिंदू वर्ग की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने, इन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया कि ये पूना पैक्ट है। इसमें क्या किया गया कि ये बातें कही गई कि बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय क्या करेंगे, इन दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किया। अन्य हस्ताक्षरकर्ता में तेज बहादुर सप्रू, एम एस जयकर, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग शामिल हुए थे, अन्य हस्ताक्षरकर्ता में ये सब लोग थे, याद रखिएगा। अब इसमें क्या हुआ कि जो पूना समझौता के अंतर्गत हिंदुओं एवं दलितों का संयुक्त प्रतिनिधित्व रखा जाएगा, मतलब ये रहा कि अब जो अलग प्रतिनिधित्व की बात की जा रही थी, 71 सीटें आरक्षित की गई थी, अब ऐसा नहीं होगा, अब एक साथ ही रहेंगे। दलितों को
71 से बढ़ाकर 148 स्थान प्रांतीय काउंसिल में दे दिए गए। जो प्रांतीय यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रांतीय व्यवस्थापक है, प्रांतीय विधानसभाओं में जो 71 से बढ़ाकर 148 स्थान प्रांतीय काउंसिल में दे दिए गए। तो यहाँ पर देखिए जो जो कम्युनल अवार्ड था उसके अंतर्गत कितना था, कम्युनल अवार्ड में जो बात की जा रही थी 71 की, अब बढ़ा करके प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया और अब कितना कर दिया गया, 148 कर दिया गया। तो कहते हैं कि जो पूना समझौता के सामने कम्युनल अवार्ड धराशायी हो गया, पूरी तरीके से विफल हो गया, क्योंकि जो रेमजे मैकडोनाल्ड जो लेकर के आया था वो पूरी तरीके से असफल हो गया, क्योंकि उसके एवज में जब इसमें पूना समझौता भी आया तो इसमें भी देखेंगे तो दलितों के अधिकार की रक्षा की गई और उनको भी कह सकते हैं कि 71 से बढ़ा करके जो कम्युनल अवार्ड 71 दे रहा था इन्होंने क्या किया, 148 दे दिया। तो ये याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि परीक्षा में हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी। तो सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत 71 सीटें थी और जो पूना समझौता के अंतर्गत कितनी थी, वो 148 सीटें थी। याद रखिए 148 पूछ लिया जाए कितना डिफरेंस था, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा कि कितना डिफरेंस था, डिफरेंस भी आप याद कर लीजिएगा। अब इसमें भी जब हम देखेंगे तो पहली बात तो डेट याद रखिए, जैसे सांप्रदायिक पंचायत की डेट याद रखिए 16 अगस्त 1932 और पूना समझौता की डेट 24 नवंबर 1932, इसको याद रखिए। आमरण अनशन गांधी जी ने कब किया ये याद रखिए, और पूना समझौता की डेट जो मैंने बताया ये याद रखिए। हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन थे, दलित वर्ग की तरफ से, हिंदू वर्ग की तरफ से, ये याद रखिए। ये सभी आपके परीक्षाओं में पूछा सकते दलित वर्ग के लिए और किसने किसने साइन किया ये भी याद रखिए, और जो मैंने बताया सीटों की संख्या याद रखिए, ये सब बातें याद रखिए। अब हम इसके बाद की जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा तो मैं बताऊँगा भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत जब देखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव की बात होगी, उसके बाद हम अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे, देखेंगे कि जब कौन कौन सी बातें थी जो भारत शासन अधिनियम 1935 में थी जिसके तहत आगे चल करके जो चुनाव होंगे 8 राज्यों में देखेंगे तो कांग्रेस को क्या मिलेगा, बहुमत मिलेगा, लेकिन आगे चल करके देखेंगे तो कांग्रेस त्यागपत्र भी देगी और मोहम्मद अली जिन्ना टाइप लोग क्या करेंगे, मुक्ति दिवस भी मनाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर क्या उसके उसी में हम अगस्त प्रस्ताव की भी बात हम कर लेंगे कि क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह आगे वाला वीडियो आने वाला इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।